आज की उस दस्तक के बारे में बताते हैं जिसमें आज जो तो ट्रेलर दिखा है, सियासी हंगामे की पूरी पिक्चर आगे भी नजर आती रहेगी क्योंकि केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी अमीर और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है, जिसको लेकर विपक्ष यह आरोप बीजेपी पर लगाने लगा कि लोकसभा चुनाव में सीटें घटने का बदला लेने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ बोर्ड का वक्त बदल देने वाले बिल को आने से सारा सियासी विवाद क्यों फैला है, इसके लिए सीधे आपको वक्फ की संपत्ति का हिसाब दिखाते हैं। दिल्ली कुल 3.6 लाख एकड़ इलाके में फैली हुई है और देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन बताई जाती है, यानी अकेले वक्फ बोर्ड के पास ही 3 दिल्ली जितनी जमीन है। और समझिए तो गोवा जैसा राज्य 9.14 लाख एकड़ में फैला है, यानी देश में वक्फ के पास गोवा जितनी जमीन है। भारत में जमीन के हिसाब से ही अगर वक्फ की जमीन को और बांटकर देखें तो दिल्ली, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन सब के पास कुल जितनी जमीन है उतनी अकेले देश में वक्फ बोर्ड के पास है। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। कहने को तो इस जमीन और वक्फ की अरबों की संपत्ति और इस प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल शैक्षिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों, मस्जिदों में धर्मार्थ और अनाथालयों में खर्च किया जाता है और होना चाहिए, लेकिन आरोप लगते आए हैं कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर भूमाफिया, सियासतदान और प्रॉपर्टी बिल्डर बड़े खेल करते हैं, जिससे आम मुसलमान, गरीब मुसलमान का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतने असीमित अधिकार पहले से सियासी तुष्टिकरण की आड़ में दिए गए जितने दूसरे मुस्लिम देशों में भी नहीं होते। इसीलिए सरकार कहती है कि जनता के हित में वक्फ एक्ट में संशोधन वाला बिल लाया गया। अब तक के कानून और नए बिल के प्रावधान की तुलना करें तो पहले जहां वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन पर दावा कर दे तो जमीन वाला सिर्फ वक्फ के ट्राइब्यूनल में ही न्याय के लिए जा सकता था, वहीं नए बिल के अनुसार उसे ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील का अधिकार होगा। अब तक जहां वक्फ बोर्ड और दूसरे के बीच विवाद में वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाता रहा, वहां नए बिल में ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का अधिकार होगा। तीसरी बात, अब तक जहां पुरानी मस्जिद हो या जमीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस्लामिक मकसद से होता आया हो तो अपने आप वो जमीन प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाती थी, लेकिन नए बिल में कहा गया कि भाई जब कोई अपनी जमीन प्रॉपर्टी दान करेगा तभी उसे वक्फ का माना जाएगा, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना हो। चौथी अहम बात, अब तक जहां वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर पाबंदी रही, वहीं अब नए बिल में कहा गया कि वक्फ बोर्ड में दो महिला और अन्य धर्म के लोग के दो लोग भी होंगे। इसी के बाद लोकसभा में आज हंगामे के बीच बिल पेश हुआ, जेडीयू टीडीपी ने भी समर्थन किया। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोगों कह रहे हैं, सदन में नहीं कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आने वाले दिन में कांग्रेस की नियत है कि भारत को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें, लेकिन भूले नहीं यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है और ये आपका रवैया देश कबूल नहीं करेगा। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम
कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। ये मुसलमानों के हक को मुसलमान बेटियां, बच्चे और पिछड़े मुसलमानों के पहुंचाने के कानून, ये कानून है। आप हिसाब दें कि आपने संपत्ति का क्या सदुपयोग किया। ये कानून है कि आप मुतवल्ली इस संपत्ति को कैप्चर नहीं करें। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, ये मुसलमान विरोधी है। कहाँ से ये मुसलमान विरोधी है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है, उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। There should be an intention of well-being. Now you have ill motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. जो पूरा के पूरा वक्फ सिस्टम है उसमें जो समाज का हित है उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन वक्फ के जरिए जो है वो हैरेसमेंट जो हो रहा था उसका समाधान भी जरूरी है। इसको लेकर के जिस तरह का कंफ्यूजन था, कंट्राडिक्शन था, कंफ्लिक्ट दिखाई पड़ता था, वो अगर करेक्ट नहीं किया जाएगा तो अविश्वास का माहौल है जो और बढ़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि एक लॉन्ग पेंडिंग ये प्रॉब्लम थी, उसका लॉजिकल सोल्यूशन की दिशा में जो बिल आया है वो स्वागत योग्य है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा नहीं और आप कौम को गुमराह करेंगे, मुसलमानों के मामलों में मुदाखलत है। बिल्कुल, ऑल इंडिया सूफी सजानशीन काउंसिल जो दरगाहों को रिप्रेजेंट करती है वो इस बिल का वेलकम करती है। आज लोकसभा में जब चर्चा वक्फ एक्ट में बदलाव लाने वाले बिल पर हो रही थी तब बिल का विरोध करते अखिलेश यादव ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की बात कहते हुए ऐसा बयान दिया कि तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताया। ये बयान आज चर्चा में रहा। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक।